कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। हमने वो गोल ही नहीं अपने माइंड में कभी आने दिया कि अल्लाह ने हमें भेजा किस लिए था। आपकी आंखें इस कमरे को गुजरते हुए देखते हुए कुछ वक्त लगाएंगे, हम अपनी जिंदगी का मकसद भूल गए हैं यहाँ पे आके। एक एक्टिविटी का रिप्लेसमेंट एक दूसरी एक्टिविटी है। जब तक आप उनको उनकी लर्निंग का जिम्मेदार नहीं बनाएंगे ना, तब तक वो लर्न नहीं कर सकते। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज कम हो जाती है, सो फिर वो सीख लेगा। लेकिन अच्छा, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम इस सेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 सेक्शंस में, ठीक है। जो पहला सेक्शन है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों में मोबाइल और डिजिटल वर्ल्ड का रुझान कैसे बढ़ा, और दूसरे सेक्शन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मोबाइल के बढ़ते रुझान की वजह से इन बच्चों के ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। जब आप इस सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों में भी ये जो रुझान बढ़ गया उसका हमारी हेल्थ पर क्या इम्पेक्ट है। और तीसरे हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि हम उन तमाम तदाबीर पर गौर करें जिससे हम अपने बच्चों में इस रुझान को कम कर सकते हैं, ठीक है। सो टुडेज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेशन आर, हाउ आर किड्स एम्ब्रेस द एन्चेंटिंग वर्ल्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन, वो क्यों माइल हुए इस दुनिया की तरफ। देन वी शैल एक्सप्लोर द पैरल्स कंसील्ड विद इन द कैप्टिवेटिंग ग्लो ऑफ स्क्रीन, चमकती दुनिया है ना ये, सबको अच्छी लगती है। एंड प्रोवाइड अ गैजेट फ्री वर्ल्ड बियॉन्ड द कैप्टिवेटिंग सोशल मीडिया ग्रैस्प, कौन सी ऐसी हिकमत अमली है, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो हम इसको, जिनके इम्प्लीमेंटेशन से, जिनको इख्तियार करने से हम बच्चों में मोबाइल इस्तेमाल करने का रुझान कम कर सकते हैं। कोई इस पिक्चर को इलस्ट्रेट कर सकता है, इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? इसमें गैजेट्स के बगैर जिंदगी दिखाई। जबरदस्त, कोई और ऐड करना चाह रहा है इसमें? पेरेंट्स की जो वो है, तो अच्छे आपसे बच्चों के साथ बिल्कुल मिलना, फैमिली बॉन्डिंग दिखाई गई है। अगर एक एक इंडिविजुअल को देखा जाए तो आप गौर करें इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है। बेसिकली ये उस दौर की बात है जब एक एक्टिविटी को हम फैमिली एंटरटेनमेंट बना के लेके चलते थे, वो किसी एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी नहीं होती थी। ना तो सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि बच्चों को एंटरटेन करे और उनको इन्वॉल्व रखे, और ना ही सिर्फ फादर की होती थी। एक फैमिली टाइम होता था जिसमें आप देखें पूरी की पूरी फैमिली ऑन बोर्ड है। इवन एक जो कॉमन परसेप्शन है कि अक्सर जो मदर्स हैं वो हाउस होल्ड चोर्स में ऐसे बिजी होती हैं कि अपने बच्चों को वो एंटरटेनमेंट नहीं कर पाती, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मदर भी साथ हैं, पूरी की पूरी फैमिली है, ठीक है। फैमिली बॉन्डिंग को डिस्प्ले किया गया इस पिक्चर में। अब हम देखेंगे कि बच्चे किस तरह डिजिटल वर्ल्ड की तरफ माइल हो गए, ये ट्रेंड कैसे उनमें बढ़ गया। अब एक एक पिक्चर पे अगर गौर करें, ये मदर हैं जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, साथ में एक बच्चा है जो क्राई कर रहा है, ठीक है। व्हेन यू कॉल फॉर हेल्प, आप किसी को मदद के लिए बुलाते हैं, अपनी ज़रूरत बताते हैं और वो बार बार बताने के बावजूद नहीं सुनता, तो आप क्या करते हैं? आप सोशल डिसकनेक्शन हो जाता है ना आपका उस शख्स से, आप दोबारा कोशिश करते हैं कि आप उससे बात ना करें अपने उस मसले के बारे में, ठीक है। यहाँ एक फादर है, बच्चा जो वो थम सकिंग कर रहा है, उसको भूख लगी हुई है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उनका फोकस नहीं है वो बच्चा जो उनकी गोद में, जिसके साथ उनका एक लव, एक अफेक्शन, एक बॉन्ड उनके साथ डिवेलप होना चाहिए था। ये एक दादा अपू हैं, ग्रैंड पेरेंट हैं, ग्रैंड मदर हैं, ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है, एक जनरेशनल रिफ्ट डिवेल्प हो रही है ग्रैंड पेरेंट्स में और ग्रैंड चिल्ड्रन में। वो जो बॉन्ड था उनके दरमियान वो वीक हो रहा है। उस बॉन्ड का वीक होने का नुकसान क्या है, बच्चों को क्या नुकसान होगा उसका वीक होने का, आप में से कोई बता सकता है? क्या चीज़ है जो बच्चे खो रहे हैं उस बॉन्डिंग को की कमी की वजह से, जो नाना दादा जी अटेंशन और तरबियत सबसे बड़ी बात, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस जो थे, जो उन्होंने बच्चे को ट्रांसफ़र करने थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, वो अब नहीं वो उनको मिल रहे, वो लैग कर रहे हैं जो हमारी यंग जनरेशन है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, अगर एक इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है,
वो कुछ नहीं कर सकता, उसका आईक्यू न्यूटन से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जब तक इमोशनल जो स्टेबिलिटी नहीं है उस इंसान में, वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले क्या होता था, वालिदैन से डांट पड़ी, फ़ौरन दादा दादी के पास चले गए वो इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। अब वो इमोशनल सपोर्ट उन बच्चों को नहीं मिल रही, ठीक है, दे आर लैकिंग दैट इमोशनल सपोर्ट। और बड़ों के लिए क्या नुकसान है, दे आर गेटिंग आइसोलेटेड, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, वो एक डिप्रेशन का शिकार है, सोशल आइसोलेशन का शिकार है, अपने पोते पोती से बात करने से पहले वो सोचते हैं रात लेट सोया होगा, रात लेट पड़ती रही होगी, मैं फ़ोन करूँगी उसको, मे बी वो डिस्टर्ब हो जाए, वो अपने फ्रेंड्स के साथ होगी, इस वक्त बात करूँगी तो वो हार्शली बोलेगी, तो एक सोशल डिसकनेक्शन उनके दरमियान में बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो एक छोटी सी इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगी पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे हस्बैंड एक फिजिशियन हैं, एक डॉक्टर हैं, उनके पास एक ब्रिगेडियर साहब की वालदा तशरीफ़ लेकर आई, और उनका एक ही बेटा था, यानी वो ब्रिगेडियर साहब, और उनका भी आगे एक ही बेटा था, यानी कि उन आंटी का एक ही पोता था, और वो बचपन में उसको उन्होंने काफ़ी खिलाया था, वो बच्चा लाहौर में एक डेटा साइंस में अपना करियर परसू करने के लिए आ गया, फैमिली पिंडी में रहती थी, तो जो वालदा थी वो उन्हें कानों में घंटियाँ बजती थी और आवाज़ आती थी जैसे वो रो रहा हो अपने बचपन में, वो पोता उनका रो रहा हो, उसके साथ उसकी अफिलिएशन थी, लेकिन अब वो जो ग्रैंड उनका सन था वो यहाँ आ चुका था, तो वो उनकी अफिलिएशन अभी भी उसके साथ उस तरह थी, लेकिन वो उसका एक्सप्रेशन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ सोशल आइसोलेशन का शिकार थी, बल्कि उनको एक वो उनकी जो है ना वो एक रियल लाइफ सिचुएशन से भी वो दूर जा रही थी, कानों में घंटियाँ बजना एक रियल लाइफ सिचुएशन तो नहीं है, ठीक है ना, तो बड़ी जो है वो इस सोशल आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, हम बारी बारी देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड की तरफ लेके गए, उनमें गैजेट्स का रुझान उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो रोल ऑफ पेरेंट्स एंड वर्कलोड, ये सबसे बड़ी जो इस वक्त जो करंट एरा है ना उसमें कैपिटलिज्म और कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करने की वजह से ना सिर्फ वालिद बल्कि वालिदा दोनों ही वर्कलोड का शिकार होते हैं, जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है बच्चों की इमोशनल डिस्टर्बेंस में और उनका गैजेट पर रिलाई करने के रुझान में, ठीक है। फिर लिमिटेड आउटडोर स्पेस, आपको भी अंदाज़ा है पहले कैसे घर होते थे, हम एक एक फैक्टर को आगे लेके चलेंगे। सोशल एंड पीयर प्रेशर एक फैक्टर हो सकता है, लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एनवायरनमेंट फोस्टर कर रहा है हमारे गैजेट्स के यूज़ को, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड गाइडेंस, एंड मीडिया इन्फ्लुएंसिंग एंड एडवर्टीजमेंट। सबसे पहला जो रोल ऑफ पेरेंट्स है, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड देयर वर्कलोड, इस तस्वीर में पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, एक उधर मुंह करके फ़ोन यूज़ कर रहा है, एक इधर कर रहा है, ठीक है, दोनों फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। व्हाट दे आर टेलिंग देयर चाइल्ड, कि उन दोनों में सोशल एक जो है वो बॉन्डिंग वो कम हो रही है, और दोनों ही किससे बॉन्ड कर रहे हैं, मोबाइल से बॉन्ड कर रहे हैं। व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल देयर चाइल्ड, दे आर रोल मॉडलिंग फॉर अ चाइल्ड टू यूज़ द मोबाइल एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ अ पार्टनर और अ सिबलिंग और अ रिलेशन that provides some emotional support or affection or love, ठीक है ना। तो वो उनको आप बता रहे हैं कि आप हम ऐसा कर रहे हैं, आपने भी ऐसा ही करना है, ठीक है। तो ये पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है इसमें गैजेट्स की तरफ से। अब ये एक मदर है, वो क्या कर रही है यहाँ पे इस पिक्चर में, बर्तन पड़े हुए बहुत सारे, तो वो बर्तनों को देख के वो बेचारी परेशान हो रही है। अब इसमें क्या है, वो खुद वर्कलोड बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर, वो खुद स्ट्रेस्ड है, अब वो क्या करेगी, उसका सॉफ्ट प्रे कौन है, बच्चा उसका सॉफ्ट प्रे है, उस पर जाके चीखेगी वो जब बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा, जब फैमिली उस वर्कलोड को शेयर नहीं करेगी, ठीक है ना। अब ये एक मदर है जो वर्किंग मदर है, लेट नाइट काम करती रही है, अब सुबह आईज ओपन कर कर के वो देख रही हैं अपना जो भी चीज़ देख रही हैं, ठीक है ना, तो वर्कलोड इन पर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये फादर हैं, ये भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इन पर। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं दे आर टेकिंग द गैजेट्स एज सब्स्टिट्यूट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। जब वर्कलोड पेरेंट्स पे ज़्यादा होगा तो बच्चे उनके साथ वो कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाएंगे, तो वो उन्हें गैजेट्स को सब्स्टिट्यूट लेना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर ऐसी हालत में पेरेंट्स भी कहेंगे कि हम थोड़ी देर सुकून कर लें, तो इवन द पेरेंट्स स्टार्टेड रिलाइंग ऑन द गैजेट्स ताकि उनका बच्चा एंगेज रहे और एंटरटेनमेंट करता रहे, ठीक है ना।
और फिर तीसरी बात जो मैंने सबसे पहले एक फिगर दिखाई थी, पिक्चर दिखाई थी, जिसमें एक मदर जो है वो सोशल मीडिया पे यूज़ कर रही हैं और बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं दे रही, तो वो एक इमोशनल डिस्टर्बेंस बच्चे में डिवेलप हो रही है। अब वो उस इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, वो भी गैजेट के ऊपर रिलाय करेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये पेरेंट्स का रोल हो गया। अब पहले क्या होता था, फादर अगर लेसेस बंद कर रहा है तो बेटे को भी साथ ही सिखा रहा है, मदर नीडिंग सिखा रही है उनको, डो बनाना सिखा रही है बच्चियों को, वो उनके साथ खाना बना रही है, ठीक है, निटिंग स्टिचिंग सिखा रही हैं, फादर एक अफेक्शन के साथ बच्चे को गोद में लेके बैठा हो बजाएगी कि वो फ़ोन के साथ एंगेज हो, ये चीज़ें अब सब जो है वो माजी का हिस्सा बनती जा रही हैं, ठीक है ना। बच्चे से कहें तो बच्चा जो है वो समझता कि ये मेरा काम नहीं है, और पेरेंट्स जो हैं वो सारे जब इन कामों में एंगेज रहेंगे तो क्या होगा कि बच्चों की तरफ फोकस कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेड आउटडोर स्पेस एंड सेफ एनवायरनमेंट। इस फैक्टर में आप क्या समझते हैं, लिमिटेड आउटडोर स्पेस क्या हो गई है? आपका जो घर है, आप बेटे बताओ, घर में सेहन है बड़ा सा? नहीं है। क्रिकेट कहाँ खेलते हो फिर? बाहर जाके खेलते हो, ठीक है। और बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है आजकल? सेफ है? आप समझते हैं आप बच्चे को बाहर भेजेंगे तो आपका बच्चा सेफ है? इवन आपका जो है वो 15-16 साल का बच्चा बाहर सेफ नहीं है, ठीक है। हमारे घरों का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, हम अब आने वाले टाइम में क्या होगा, पॉड्स में रहना शुरू कर देंगे, पूरा दिन काम करो, रात को सोना ही है ना, पॉड्स में सो जाओगे आप, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। अब आप देखें लाहौर में फ्लैट्स का ट्रेंड कितना बढ़ रहा है, फ्लैट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, बाय द टाइम यहाँ पर आपको पॉड्स बनते भी नज़र आएंगे, ठीक है ना। तो आपकी जो जो बच्चे को एक आपने आउटडोर एरिया प्रोवाइड करना था, वो अपने घर में पहले बड़े बड़े सहन होते थे, वहीं पे वो प्ले कर लेता था। आपने वो सहन ना होने की वजह से वो आउटडोर एक्टिविटी उसकी जो है ना वो रिड्यूस कर दी, और बाहर आप भेजते नहीं है क्योंकि बाहर एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। पुराने ज़माने में ऐसे घर होते थे, एरी वेंटिलेटेड स्पेशियस, ठीक है, यहीं पे बच्चे अपनी एक्टिविटी कर लेते थे क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी उनको खुश रखती है। और बाहर आप बच्चे को भेजेंगे तो आपको बहुत सारे वहम आपको आएंगे, और वो चीज़ें एक्चुअली हम रोज़ाना की बेसिस पे देखते भी हैं, ठीक है। तो आपकी आउटडोर स्पेस कम हो गई है और एनवायरनमेंट आपका सेफ नहीं रहा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड पीयर प्रेशर। सोशल नॉर्म्स बहुत चेंज हो गए हैं, ठीक है। एक बच्चा 12 इयर्स का है, उसके पीयर्स उससे पूछते हैं, भाई तुम्हें अभी तक फ़ोन नहीं दिया तुम्हारे घर वालों ने? मैं तो 10 साल का था जब से यूज़ कर रहा हूँ, मैं रोज़ ये बात फेस करती हूँ, मेरी बेटी रोज़ आके मुझे कहती है मामा वो फ्लां रोज़ अपने स्टेटस लगाती है, आप मुझे फ़ोन नहीं देती, ठीक है ना। पीयर प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, और बच्चे उस पीयर प्रेशर से, पीयर्स कहते हैं क्लास फेलोज़ को, और बच्चे उस पीयर प्रेशर की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना, आपके भी क्लास फेलो कहते होंगे कि ये मेरे पास फ़ोन है आपके पास क्यों नहीं है, ऐसे है ना। तो पीयर इन्फ्लुएंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, एक बड़े रिनाउंड स्कूल में मैंने अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाया 2016 में, बच्चे जाते थे और जब वापस आते थे तो मैंने उनमें बिहेवियर चेंजेस मैंने देखी, और वो चेंजेस क्या थी, बच्चे वक्त के साथ साथ बदतमीज़ हो रहे थे और उनकी फरमाइशें रोज़ाना बढ़ती जा रही थीं। हम उन फरमाइशों को पूरा भी कर सकते थे, लेकिन व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि इस तरह तो एक उनकी वो जो है ना वो क्या कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन वो ख़त्म हो जाएगी उनके अंदर से बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब वो उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हो गए उस स्कूल में जाने की वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कोविड आया और मैंने बच्चों को स्कूल क्विट करवाया। 3 इयर्स आई प्रोसीडेड फॉर होम स्कूलिंग, मैंने अपने बच्चों को घर में होम स्कूलिंग कराई 3 साल, एंड आफ्टर 3 इयर्स व्हेन दे वेंट फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम दे स्किप 2 क्लासेस। लाइक अगर उन्हें 5th क्लास में होना था तो वैसे ही स्कूल में उन्होंने ग्रेड 7 का अगर दे दिया एग्जाम तो वो ग्रेड 7 में एनरोल्ड हो गए। 3 इयर्स में उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अपने बाकी पीयर्स की निस्बत, उसके जो क्लास फेलो हैं जो पुराने स्कूल में थे उनकी निस्बत वो 2 क्लासेज आ गए हैं इस वक्त, ठीक है। तो स्कूल्स में जो है ना ये पीयर प्रेशर और उनका इन्फ्लुएंस ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है गैजेट्स और सोशल मीडिया के लिए। पीयर स्पेंड कंसिडरेबल टाइम ऑन स्क्रीन एंड चिल्ड्रन में फील कंपेल्ड टू डू द सेम टू फिट इन और बी द पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस ऑनलाइन, ठीक है। जो वो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, ठीक है ना। फिर एक सबसे बड़ी चीज़ जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, आपके लाहौर में 50% फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ठीक है। जो मदर्स हैं वो अपने इन लॉज में रहना पसंद नहीं कर रही, ठीक है, और इन लॉज भी कहते हैं ठीक है अलग रह लो कोई मसला नहीं है,
लेकिन सब देखिए जो इस वक्त सब कॉन्टिनेंट है ना, उसके पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैन पावर है उसके पास। वो फैमिली सिस्टम, वो कल्चर जो है ना जिसमें मैन पावर थी, वो ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी को पे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी, मेरी जो रिलेटिव्स हैं वो अपना प्रॉब्लम पे करके वो सॉल्व कराएंगे। लाइक हम अपने बच्चों के पास एक बेबी सीटर रखेंगे और अपने बड़ों के पास एक केयर टेकर रखेंगे। ठीक है, पहले ये फैमिली इकट्ठी होती थी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व रहते थे। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है न्यूक्लियर फैमिलीज़ की पे, कि जो पॉलिटिकल रिफ्ट फैमिलीज़ में चलता है, फीमेल्स में अक्सर ज़्यादा चलता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये जो बच्चा जब वो इस दुनिया में आ रहा होता है ना, 9 मंथ्स में वो एक दुनिया में टाइम गुजारता है। ठीक है ना, और ये जो लाइफ हम गुजार रहे हैं इट्स एन अदर वर्ल्ड। ठीक है, और वो जो 9 मंथ्स का टाइम होता है ना, वो कॉन्टीन्यूस जो सप्रेशन एंग्जाइटी जो मदर फेस करती है ना, उसके बच्चे के ब्रेन पे, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत असर होता है, जिस पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। हम समझते हैं कि इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, सभी इस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो फीमेल को ये बेयर करना चाहिए, उसे वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दी जाती, जिसके नतीजे में क्या होता है, आपकी एक जनरेशन उस इमोशनल स्टेबिलिटी जो है उसको लैग कर जाती है। ठीक है, और वो न्यूक्लियर फैमिली में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट की वजह से क्या होता है, एक सोशल डिसकनेक्शन हो जाता है ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान। ठीक है, लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अब हम अपने बच्चों को कहें ना कि जाके ये काम करो, तो वो करें ही ना बिल्कुल, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं अब, तो अब इसका सब्स्टिट्यूट भी तो बच्चों ने ढूंढना है ना। पहले कितनी खुशी से खेलते होते थे हम, ये हमारे बच्चे जो है ना उनको गर्मी लगती है जब वो खेलने लगते हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, जिसकी वजह से भी वो ज़्यादा गैजेट्स की तरफ माइल हो गए। फिर एजुकेशनल इन्वायरमेंट, हम इतना खुश होते हैं कि फ़लाँ जो स्कूल है ना उसमें LMS है, LMS वाले स्कूल में बच्चा डालेंगे, बच्चा वहाँ से घर आके भी 24 घंटे स्क्रीन के साथ अटैच रहता है। ठीक है ना, जबकि आप बिल गेट्स को देखें तो वो खुद अपने बच्चों को मेरे ख्याल है 16-17 साल से पहले वो गैजेट्स नहीं लेने देते, वो उस कॉन्टीन्यूस स्क्रीन टाइम का एक्सपोजर अपने बच्चे को नहीं देते, लेकिन हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि नहीं, स्कूल में LMS नहीं है तो हमने इसमें नहीं डालना अपने बच्चे को, यहाँ एडमिशन नहीं उसे दिलवाना। एजुकेशनल इन्वायरमेंट चेंज हो गया, ठीक है, हम खुद फोस्टर कर रहे हैं कि गैजेट्स वाले स्कूल में हम अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। फिर पेरेंट्स में डिजिटल लिटरेसी कम है, उन्हें नहीं आइडिया कि कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट क्या है बच्चे की इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट पे, क्या इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, उसके अलावा बच्चा क्या देख रहा है उसको सुपरवाइज़ नहीं करते। मैं ये एडवाइस करती हूँ कि आप बजाए उसे फ़ोन पे सोशल मीडिया उसे प्रोवाइड करने की बजाय आप YouTube उसको TV पे लगा के दे दें, अगर इतना ही शौक है तो, उसका क्या फ़ायदा है, एटलीस्ट आते जाते गुजरते हुए आप देख तो लेंगे कि वो क्या देख रहा है उसके ऊपर। बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेंट आता है जो बड़ों के देखने वाला भी नहीं होता और वो फ्रीक्वेंटली आ रहा होता है, तो अगर आप वो लिविंग में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई, एटलीस्ट आपकी सुपरविजन में होगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि वो क्या कर रहा है इस वक्त। फिर मीडिया पे भी आपको पता है ऐसी एडवर्टीज़मेंट और ऐसी इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ें होती हैं कि बच्चे बड़ा फैसिनेट होते हैं, स्पेशली वो टारगेट की जाती हैं बच्चों के लिए। हमारे ज़माने में क्या होता था, कौन सा चैनल होता था, आप बताएं आप कौन सा चैनल देखते थे, PTV होता था, और ड्यूरेशन क्या होता था कार्टून्स का, सुबह 7 बजे से 7:15 तक, उसके बाद शाम में 4 बजे से मेरे ख्याल 4:30 बजे तक, 3 बजे तो टीवी खुलता था बिल्कुल, और ये बेस्ट टाइम था, इतना ही स्क्रीन एक्सपोजर जो है ना वो आप मुझे लगता है उसके बाद वाले एरा में है। तो ये टाइम जो था ना ये गोल्डन टाइम था, 45 मिनट्स इज नॉट बैड टाइम। ठीक है, और एक क्वेस्ट भी उनके दिल में रहती थी। अब इतने कार्टून देख देख के वो कार्टून देख के भी बोर हो जाते हैं, समटाइम आपने छोटे बच्चों को टॉडलर्स को फ़ोन दिया हो ना तो फ़ोन देखते देखते ऐसे वो उठा के मारेंगे और स्क्रीन जो है ना वो उसके किर्चियाँ हो जाएंगी, वो क्या होता है वो फ़ोन देख देख के भी तंग आ जाते हैं, इतना ज़्यादा उनको फ़ोन देखने को मिलता है। अब इन सब चीज़ों के नुकसान क्या हैं, अब हमने यहाँ तक इस सेक्शन में ये जाना, ये हमने मालूम किया कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे गैजेट्स की तरफ ज़्यादा माइल हो गए हैं। तो अब हम देखेंगे ज़्यादा होगी ये, तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि आपके बच्चों को शुरू से टेक्नोलॉजी से रूबरू किया जाए ताकि उनका जो ब्रेन है उस तरह डेवलप हो, उस तरह चीज़ों को देखें, उस तरह शोर है एक्सपोजर है, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है कि हम उनको 15-16 साल की उम्र तक
हम टेक्नोलॉजी से ही रूबरू ना करें, और फिर उसके बाद जब वो शुरू आए तो दुनिया तो इतनी फास्ट है कि वो कहाँ से कहाँ निकल गई होगी। आजकल तो आपको पता है छोटे छोटे बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। ऐसी बात है, लेकिन हमने क्या किया वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवा के उनसे? बच्चों की नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल, आपका जेन्युइन और बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका, मैं इस सवाल का जवाब आपको दूंगी, लेकिन वो ये बच्चा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेगा, ठीक है, क्या इसकी खेलने की उम्र है अभी कि नहीं है ना? हमने इस वक्त ही इस पर एक प्रेशर डाल दिया, अर्निंग का प्रेशर डाल दिया, हमने स्किल का वो प्रेशर डाल दिया जो बड़े होकर उसने अचीव करनी थी। एक आपको एक चीज़ बताऊं, जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो क्यूरियोसिटी से सीखता है हमेशा। वो एक जिस चीज़ में आपको लगे ना कि इसमें कुछ एक्सप्लोर करने वाला है, जो सोशल मीडिया है ना वो आपको कन्फाइन करता है, आपके थॉट प्रोसेस को कन्फाइन करता है। आप देखें, एक यूट्यूब की वीडियो देखेंगे, आप मल्टीपल टाइम दिन में शायद उसके बारे में सोचें या बहुत देर तक उसके इन्फ्लुएंस में रहें। जब आपका ब्रेन वो वीडियो नहीं देखी, आपके ब्रेन ने, ठीक है, आप वो निकोला टेस्ला का नाम सुना हुआ किसी ने? निकोला टेस्ला वॉज अ साइंटिस्ट। ये जो वायरलेस वाईफाई है, आपका मोबाइल है, आपका एक्सरे है, ये हर चीज़ जो है वो ये निकोला टेस्ला की ईजादात हैं। 300 से ज़्यादा ईजादात थी जो उस ज़माने में पैदा हुआ जब बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी ये वाली, ठीक है। हम सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखते हैं ना, जो सोशल मीडिया पर चीज़ ट्रेंडी होगी हम वो सीख लेंगे। तो ये 1910 में शायद था, जो भी था, लेकिन ये वो बंदा था जिसने मैस ट्रांसफ़र का राज जान लिया था। मैस ट्रांसफ़र का आइडिया है आपको? मैस ट्रांसफ़र ये होता है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और विद इन निक ऑफ टाइम आप समेत अपने जिस्म के कराची में पहुँच जाएँ, ठीक है, दैट इज़ मैस ट्रांसफ़र। और वो मैस ट्रांसफ़र उसकी, उसने कैसे ये राज जाना? जब उसने ये जाना ना तो वो अपने नोट्स बनाता था, लोग उसके आइडियाज़ जो है वो चुरा लेते थे, स्टील कर लेते थे। वो कहता था मैं हैरान हूँ कि लोगों के पास क्या सिर्फ चुराने का ही वक्त है, खुद सोचने का वक्त नहीं है। बाद में उसको मार दिया गया था। डेफिनेटली ऐसे जो लोग होते हैं उनको इवल पावर्स उनको कहाँ पसंद करती हैं। तो निकोला टेस्ला ने उस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो कहता था कि जो ब्रेन है उसमें बहुत पावर है। इवन आप देखें कि बात थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी, हम एक मिरर थेरेपी करवाते हैं पेशेंट्स को, स्ट्रोक के पेशेंट्स को, ठीक है। मिरर थेरेपी क्या होती है कि आपने स्ट्रोक बंदे को लेफ्ट साइड पे हुआ है, उसका लेफ्ट बाजू काम नहीं कर रहा, आपने उसके लेफ्ट और राइट बाजू के दरमियान में मिरर रख दिया और उसे कहा कि अपना राइट आर्म ऊपर नीचे करे, अपनी फिंगर्स को मूव करे, और लेकिन उसने देखना कहाँ पे है, मिरर में देखना है उसको। और इस वजह से 3 मंथ्स के जो टाइम स्पैन में जब अगर ये एक्सरसाइज कराई जाए तो क्या होता है कि वो जो लेफ्ट साइड का जो स्ट्रोक वाला हाथ है ना वो उठना शुरू हो जाता है, वो हील होने लग जाता है। आप सबके जहन में यही कॉन्सेप्ट है ना कि वंस स्ट्रोक बंदा गया अब नहीं उठेगा ये, लेकिन इट्स द पावर ऑफ ब्रेन। वो ब्रेन जब खुद सोचेगा वो खुद हीलिंग पावर अपनी इंट्रोड्यूस करेगा तो वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। और वो क्यूरोसिटी उस वक्त निकोला टेस्ला में थी, मैस ट्रांसफ़र तक जो पहुंच गया, फिर उसके बाद वो उसे मार दिया उन्होंने, लेकिन वो उस राज को अभी तक भी ये नहीं जान पाए। अभी क्वांटम फिजिक्स पे बहुत काम हो रहा है, वो इसी से रिलेटेड है, मैस ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, ठीक है। और जो अभी आजकल आपको पता है जो स्पेस मिशन जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ें उन्होंने टेक्नोलॉजी से नहीं सीखी, बाय द पावर ऑफ योर ब्रेन सीखी है, ठीक है। आप अपने ब्रेन की पावर से एफर्टलेसली उन ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप पॉजिटिवली अपने ब्रेन को यूज़ करें, ठीक है। तो ब्रेन को ही तो सारा कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है सोशल मीडिया का वो ब्रेन के ऊपर है। वो उस बच्चे को कन्फाइन कर रहा है कि वो ऑल टाइम टॉम एंड जेरी देख ले। टॉम एंड जेरी देख के क्या उसके अंदर डिवेल्प हो रहा है? वो हर वक्त देखता है कि वो ठा 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 एग्रेशन है, वो मार रहा है जेरी को, जेरी आगे भाग रहा है। और हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो टॉम एंड जेरी लग रहे होते हैं जब वो घरों में दौड़ रहे होते हैं। वो एग्रेशन, वो एंजाइटी, वो रोल मॉडलिंग जो वहाँ से सीखते हैं वो अपने ऊपर उसी वक्त इंप्लीमेंट करते हैं। कभी भी बच्चा, उसे आप कहेंगे बेटा 5 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, वो कभी नहीं पढ़ेगा जब तक देखेगा नहीं। मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरा बेटा आता है, वो मेरे ऊपर चढ़ जाता है, आके कभी मेरा दुपट्टा जो है वो खींचता है, कभी वो मुझे प्यार भी करता है, लेकिन मैं उसे जितना मर्जी डांटूँ नमाज में, मैंने ये सोचा हुआ कि इसको नमाज के वक्त कुछ नहीं कहना। वो उसको वो ऐसा उसको वो अडेप्ट हो गया है, उसे ही पता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मामा बड़ी रिलैक्स होती हैं और मुझे कुछ नहीं कहती। और उसका ये इम्पेक्ट आया कि वो 6.5 ईयर का है, वो माशाल्लाह नमाज पूरी उसे आती है और वो इतने तहम्मुल से ऊंची आवाज़ में पढ़ता है कि कभी कभी मैं, वो बोलता है तो मैं उसके पीछे पढ़ रही होती हूँ, ठीक है। वो इम्पैक्ट है ये कि वो रोल मॉडलिंग है ना,
वो जो सोशल मीडिया से रोल मॉडलिंग सीखेगा वो इम्प्लीमेंट करेगा, जब वो अपने पेरेंट्स से सीखेगा तो वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है हम ये देखेंगे, स्लीप डिस्टर्बेंसेस कैसे होती हैं, इम्पेयर्ड सोशल एंड इमोशनल डिवेलपमेंट ये इसका एक नुकसान है, हम एक एक करके इन सब फैक्टर्स को देखेंगे। एजुकेशनल एंड कॉग्निटिव डिवेलपमेंट उस पर क्या इम्पैक्ट है, अभी आप ये जो सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे ना, मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स पे इनका इम्पैक्ट आ रहा है और उसका रिस्पॉन्स क्या है। आप खुद में भी वो रिस्पॉन्स फील करेंगे, सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी इसका शिकार हैं। बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल इशूज, साइबर बुलिंग सबसे बड़ा इशू है, रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ की। बेटा क्या बॉडी में क्या चेंज आ सकती है सोशल मीडिया देख के, कोई चेंज नहीं आएगी, सारा दिन फ़ोन देखते रहोगे क्या करोगे, बैठे रहोगे ना, हिलो जुलोगे, जब हिलोगे नहीं तो क्या होगा, मोटे हो जाओगे, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस सोशल मीडिया एक्सपोजर लीड्स टू ओवर ईटिंग हैबिट्स। आप देखें आप बैठे एक साइड पे फ़ोन देख रहे हैं, स्नैक्स खाए जा रहे हैं जबकि आपको ज़रूरत ही नहीं है उनकी। ना सिर्फ ये कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही, आप उसमें जो है वो चेरी ऑन टॉप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स भी आपने डिस्टर्ब कर ली। मैम वो तो ऐड आ जाए तो दिल करना शुरू हो जाता है कि ये खाओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, सही बात है, यही काम करते हैं। नहीं आपने उन्हें ब्लेम नहीं करना बिल्कुल, दोनों बड़े ज़बरदस्त, आपसे ज़्यादा मुझे लग रहा है वो लॉजिकली सीखते हैं, ठीक है। एक सेशन होना चाहिए नार्सिस्ट पेरेंट्स पे भी क्या ख्याल है कि हाउ नॉट टू बी अ नार्सिस्ट पेरेंट्स। ओबेसिटी सबसे बड़ा जो आपका इम्पैक्ट है, मोटे होते जा रहे हैं, बैठ के खाते रहते हैं, इधर जो है वो मूवी लगा ली, पॉपकॉर्न मंगवा लिए, कोई एक आध बर्गर मंगवा लिया और साथ बैठे रहे देखते रहे। बैड पोस्चर सब आप देखें, बच्चे छोटे छोटे हैं ऐसे कमर झुकी हुई है उनकी, वो ज़ाहिर है यहाँ पे रख के देख रहे हैं, जो चीज़ यहाँ देखनी है तो उनका पोस्चर डेफिनेटली डिस्टॉर्ट होगा। पुअर फिजिकल फिटनेस, ओवरऑल बॉडी आप देखें, अब ये बच्चे हैं दोनों, ये बच्चों वाली एलिमेंट्स तो नहीं उनकी बॉडी में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपका भी पेट निकल रहा है, अब नहीं फ़ोन देखना। इमोशनल जो है ना वो स्लीप डिस्टर्बेंस ड्यू टू ब्लू लाइट, ब्लू लाइट आपको पता है, जी जी बताएं। आई एम हम्बल, जी जी जी, और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा डिजास्टर है, जी जी बच्चों जब भी खाना खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नंबर ऑफ टाइम मना करने के बावजूद भी ये चीज खत्म नहीं होती, ऐसे ही सामने तो शायद वो मना हो जाए लेकिन जब घर से बाहर होगा तब वो यूज टू होगी, ऐसे ही समझ में उसे कहता हूं बेटा ये तो खाने की तो नहीं है, या खाना खाओ या वो देखो, ऐसे ही एक ऐसी एडिक्शन है कि जब भी तुम खाना खा रहे हो फोन देख रहे हो कोई ना कोई चीज कर रहे हो, ये बहुत बड़ा जो है वो आजकल मैं ब्लैक बिलिंग भी होती है, तो अब फोन नहीं देखेंगे तो खाना नहीं खाएंगे, तो आपको खाना बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर बच्चा खाना नहीं ना खा रहा कि मुझे फ़ोन नहीं दिए, यकीन करें आप उसको पनिश नहीं कर रहे, आप उसकी बेहतरी कर रहे हैं, आप उसको खाना मत दें, फिर जब उसे भूख लगेगी ना सारा दिन बाद वो खुद आके खाएगा, यकीन करें ये एक दिन का दो दिन का खाना खा के कुछ नहीं होना ना खा के, ये बिल्कुल कमज़ोर नहीं होंगे, आपने घबराना नहीं है, लेकिन आप फ़ोन मत दें। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, ऐसे होता है। और आप देखें ब्रेन जो है ना जो काम कर रहा हो अगर वो उसमें फोकस नहीं होता ना, तो अब देखिए कई लोगों को मोशन सिकनेस होती है गाड़ी में, क्यों होती है, एक तरफ ब्रेन परसीव कर रहा होता है मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और दूसरी तरफ से वो परसीव कर रहा था नहीं मैं चल रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाता है ना, तो मोशन सिकनेस होती है। इसी तरह वो खाना खा रहा है और खाना खाते हुए उसे पता ही नहीं वो खाना खा रहा है, वो देखें एक अल्लाह ताला ने मदर में क्या रिस्पॉन्स एक बनाया हुआ है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो जब वो रोता है ना उसके रोने की आवाज़ से मदर के ब्रेन में एक स्टिमुलस बनता है कि अब इसे भूख लगी है, जब बच्चा मदर फीड पे होता है, वो मदर फीड तभी आता है जब वो बच्चा रोता है, ठीक है ना, कहते हैं ना अगर रोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा कि तुम्हें भूख लगी है, ठीक है ना। तो अब वो ब्रेन देखें उस स्टिमुलस को कैसे, आपने खाने के स्टिमुलस से वैसे ही उसे अलग कर दिया, आपने उसको जो है वो फ़ोन के स्टिमुलस में, तो वो जो चीज़ें खाने को हजम करने के लिए रिलीज़ होनी चाहिए थी जो गैस्ट्रिक जूसेस वो नहीं होंगे, वो अब बच्चे में स्टेसिस होगी, पेरेंट्स आते हैं जी बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहता है, जब उसका वो इंटरेस्ट ही नहीं है ब्रेन का उस साइड पे
खाने को हजम करने वाला इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो रेलेवेंट ना हार्मोन्स क्रिएट करेगा ना वो न्यूट्रिएंट्स क्रिएट करेगा, तो वो फूड जब जाएगा भी तो अनप्रोसेस्ड रहेगा ना, तो वो कॉन्स्टिपेशन तो ऑटोमेटिकली रहेगी। ये अभी कॉन्स्टिपेशन का तो मैंने जिक्र नहीं किया बल्कि, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है एक इसमें सोशल मीडिया की वजह से। तो ब्लू लाइट जो है वो आपके ब्रेन को कॉन्टिन्यू सिग्नल देती कि आपने अवेक रहना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे जो हैं लेट नाइट फ़ोन देखते रहते हैं तो उनमें इंसोमनिया हो जाता है। इंसोमनिया एक कंडीशन को कहते हैं जिसमें स्लीप डिस्टर्बेंसेज होती हैं। ब्रेन जो है ना, अल्लाह ताला ने कहा है कि जो हमने हर चीज़ को एक कदर के साथ अंदाजे के साथ पैदा किया है, और ये थेरीज भी आ गई हैं कि हर जो ऑब्जेक्ट है ना इस दुनिया में वो अपनी किसी खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक जो है ना वो वेव्स एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे निकल रही होती हैं। अब आप देखें दिल की धड़कन जो है वो क्यों बंद हो जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो दिल में मूव कर रही होती है ना वो बंद हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारा ब्रेन भी कुछ वेव्स क्रिएट वो जो है ना वो रिलीज़ करता है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं अल्फ़ा बीटा डेल्टा। ठीक है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी का निकलने का पैटर्न है या उस फ्रीक्वेंसी पे काम करने का ब्रेन का पैटर्न है, उसको ब्लू लाइट डिस्टर्ब करती है। फॉर एग्जांपल अगर उसे सोने की ज़रूरत है, ब्रेन उस वक्त जो है ना वो अल्फ़ा वेव्स रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो ब्लू लाइट क्या कहेगी, उसे कहेगी नहीं इस वक्त डेल्टा का टाइम है, तो वो ब्रेन कन्फ्यूज़ हो जाएगा, वो अल्फ़ा और डेल्टा में बेचारा घूमता रहेगा कि मैं इस वक्त क्या निकालूं। ठीक है ना, तो ये ब्लू लाइट्स जो इंसोमनिया क्रिएट करती हैं, उनमें स्लीप डिस्टर्बेंस करती हैं। बच्चे क्या करते हैं, लेट नाइट वॉच करते हैं कार्टून्स, उससे क्या होता है इम्पैक्ट ऑन सोशल कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड। जो ब्रेन है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। आप इस वक्त कॉन्शियसली मुझसे सीखने आए हैं कि हम गैजेट्स को कैसे कम करें। ठीक है ना, लेकिन पूरा दिन आप बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं आप उनको ऑब्जर्व करते जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कोई एक्सीडेंट देखते हैं खुदा ना खास्ता, या आप कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं जो आपके ब्रेन में ये मेमोरी में जा रही है, वो आपकी जो अननोटिसली जो आपने चीज़ें सीखी है ना वो कहाँ जाएंगी, सब कॉन्शियस ब्रेन में जाएंगे। ठीक है, सब कॉन्शियस ब्रेन इज़ मोर पावरफुल देन कॉन्शियस ब्रेन। उसमें जो चला गया ना वो आपकी ज़िंदगी से निकल नहीं सकता, जैसे आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं वो उसमें सब कॉन्शियस ब्रेन में होते हैं, वो चाहते ना चाहते हुए आपके ब्रेन से वो चीज़ें नहीं निकलती। ठीक है ना, या वो ऐसी मेमरीज जिनके साथ कोई बुरा या अच्छा एक्सपीरियंस वाबस्ता हो वो भी आपकी सब कॉन्शियस ब्रेन में होती हैं। तो क्या होता है कि ये जो स्लीप डिस्टर्बेंसेज हैं, अब रात के वक्त मैं हमेशा कहती होती हूँ कि दिमाग को ना जैसे पेट को अच्छा खाना देते हैं, दिमाग को भी अच्छा फूड दें। फूड क्या है, योर थॉट्स, वो इनपुट जो आप बाहर से दे रहे हैं उसे अपनी आँखों के ज़रिए अपने कान के ज़रिए। लाइक अब ये यंग जनरेशन है, मैं रात के वक्त क्या करती हूँ, सोने से पहले मैं एनलिस्ट करती हूँ कि कल मैंने ये काम करने, मैं इमेजिन करती हूँ कि अच्छा इस वक्त मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ एंड आई कंसीव द आइडिया ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन 2.5 years ago, 2.5 साल पहले, एंड आई जस्ट स्टार्टेड इट 6 months back। मैंने प्रॉपर इस पर 6 माह पहले काम करना शुरू किया। व्हेन आई क्विट माय जॉब द रीज़न वाज आई रिसीव्ड 9,000 पे एज अ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। आई इमेजिन आई टोल्ड माय सेल्फ यू कैन डू, तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करो, तुम्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है ना, मैंने अपने ब्रेन को रोज सोते हुए ये बताना यू कैन डू यू कैन लीड। ठीक है, और उसका ये इम्पैक्ट आया, अभी मैं कवल से भी डिस्कस कर रही थी, रिसर्च की वर्कशॉप्स मैं करवाती हूँ, मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स मेरी वर्कशॉप में ऑनलाइन जो मैं करवाती हूँ उसमें होते हैं। ठीक है, एंड व्हेन आई वाज अ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन नो वन एवर नोन माय नेम, किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ। ठीक है, वो फूड ऑफ थॉट, वो जो पावर, वो जो आइडिया है, मैं रोज़ अपने ब्रेन को रात को सोते हुए बताती हूँ। ठीक है, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, औरतों की खास तौर पे ये आदत है, नेगेटिव और पेनफुल बातें ना वो हर वक्त उनका जिक्र करती रहती हैं, तो उन बातों से एक नेगेटिव एनर्जी आती है जो उनके हर वक्त उनके इर्द गिर्द घूम रही होती है, वो उन चीज़ों से निकलती नहीं है, वो उसकी ओर से निकलती है, वो पॉजिटिव एनर्जी ना उनमें जनरेट होती ना वो और बाहर आने देती हैं। तो उसका क्या नुकसान होता है, आपकी ग्रोथ जो ना आपकी फैमिली की ग्रोथ है, आपके बच्चों की ग्रोथ है। जब आप पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगी, आपने माइंड में एक पॉजिटिव टारगेट रखेंगी, बच्चों में भी अगर बच्चों को मैं कहूँ कि रात को सोते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें माइंड में रखा करो, मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है सोसाइटी के लिए, ये करना है मैंने अपने क्लास फेलोज़ के लिए करना है। जब आपने एम्पथी आपके अंदर डिवेलप होती है ना, लोगों का ख्याल आपके अंदर डिवेलप होता है, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको खुद भी आगे लेके जाने में हेल्प करती है।
तो ये कॉन्शियस माइंड में आप जो डालेंगे ना वो सब कॉन्शियस में जाएगा, और सब कॉन्शियस रात के वक्त एक्टिवेट होता है, फुल जागा होता है। इसलिए आपने दिन में कोई हॉरर मूवी देखी ना, सबसे अच्छी बात इसकी पता क्या है, जैसे मैंने आप कहा कि मैंने कहा कि मैं आई विल बी अ सीईओ ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉट ऑर्ग, मैं ये अपने आप को रात को सोते हुए बताती थी, और फिर मैंने बताना शुरू किया कि आई एम द सीईओ ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉट ऑर्ग द टाइम व्हेन आई वाज नॉट। मैंने उस वक्त अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि मैं सीईओ हूं, क्योंकि उस टाइम मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट हो रहा होता है और मैं कॉन्शियस ब्रेन के जरिए उसे ये मैसेज देती हूँ। और सब कॉन्शियस ब्रेन की सबसे बड़ी ब्यूटी पता क्या है, वो रियलिटी और फिक्शन में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता, असल क्या है और नकल क्या है। हाँ, वो उसके लिए वही रियलिटी है। इसलिए जो आप दिन में ड्रावनी मूवी देखोगे रात को ड्रावने ख्वाब आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसको रियलिटी में और फिक्शन में कोई फ़र्क नहीं। इसलिए दिन में वो चीज़ें करो जो रात को उसको जो है ना वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, आपको किसी अच्छे आउटकम की तरफ लेके जाए। जब आप एक गोल सेट करते हैं ना तो आप क्या कहते हैं, यार मैं तो रात को ख्वाब में भी ये कर रहा था, ठीक है। आपका ब्रेन सोते हुए भी उस पर काम कर रहा होता है। सब कॉन्शियस ब्रेन को अच्छे अच्छे फूड ऑफ थॉट दिया करें रात को सोते हुए, ये टेक होम मैसेज इस स्लाइड का। इम्पेयर्ड सोशल एंड इमोशनल डिवेलपमेंट, अब उसका इतना वर्चुअल इंटरेक्शन बढ़ चुका है कि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन पर यकीन ही ख़त्म होता जा रहा है। नाना दादा आएंगे, वो माँ पकड़ के खींच खींच के ला रही, बेटा मिलो इनसे, मिल क्यों नहीं रहे, सलाम तो ले लो। बच्चा जो है वो कहता नहीं मैं तो जा रहा हूँ कमरे में, मैंने इनसे नहीं मिलना। वो फेस टू फेस इंटरेक्शन की कैपेबिलिटी उसमें ख़त्म होती जा रही है। आप ये नहीं कहेंगे आप शर्मिंदा हो गए, आप कहेंगे शायद है बेचारा, वो शायद नहीं है, उसके अंदर एक स्किल ख़त्म हो गई है, एक इमोशनल स्किल ख़त्म हो गई है, जो कि ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, सिबलिंग से, रिलेटिव से मिलने के लिए जो एक इमोशन उसके अंदर डिवेलप होना था, वो इमोशन उसका हर वक्त एक वर्चुअल इंटरेक्शन से डिवेलप हुआ है मोबाइल के साथ, वो उससे मोहब्बत उसकी बढ़ गई है, ठीक है। अब वो एम्पथी, आप रोज़ इतने एक्सीडेंट्स और इतनी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं कि आपका दिल सख्त हो गया है दूसरे के लिए की जगह अपने आप को रखना, और अब कहते ना दूसरे के जूते में पाँव डालने वाली बात ही नहीं रही, आप उसकी जगह अपने आप को रख के सोचना ही बंद हो गए। और बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिवेलप हो रही है, वो बड़ी आराम से कहते हैं फलां के दादा फोत हो गए, और साथ ही वो कहका भी लगा रहे होते हैं। वो एम्पथी ख़त्म हो गई ना, कि वो पेन जो उसने फील की है वो कैसी पेन होगी, ये एम्पथी भी आपकी बच्चों में कम हो रही है। और इसकी एक वजह भी सोशल मीडिया है, मैं आपको बताऊंगी कैसे है। बोर्डम वाइल मीटिंग ग्रैंड पेरेंट्स एंड स्टेइंग होम एट फेस्टिवल सीम बोरिंग, ईद बड़ी बोर लगने लग गई है बच्चों को, घर रह रहे होते हैं तो कहते हैं बहुत बोर हो रहे हैं, बहुत बोर हो रहे हैं, बाहर चलें कहीं, सुकून ही नहीं होता उन्हें। पुअर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, कुछ आइडिया है किसी को, व्हाट इज़ सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट इज़ सेल्फ, अपने आप के बारे में जानना। आपको पता ही नहीं है आप इस वक्त कौन से इमोशन की फेज में, आप गुस्से में हैं, आप सैड हैं, आप खुश हैं, आपको अपने बारे में जानना आप बंद कर दें, आपको इल्म ना हो। जब आपको ये इल्म हो जाए ना कि मैं इस वक्त गुस्से में हूँ, तो आप अपने गुस्से को उस वक्त मैनेज भी करते हैं। समटाइम एक ऐसी डिज़ास्टरस सिचुएशन से आप अपने आप को निकाल लेते हैं जिसमें आप जाने वाले होते हैं, लेकिन अपने इमोशन को चेंज करके, चैनलाइज करके उस सिचुएशन से आप बच जाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस ख़त्म हो रही है बच्चों में, ठीक है। ओवर एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं उनके, गुस्सा जी बहुत गुस्से का तेज़ है, ये गुस्से का तेज़ नहीं, उसमें एक तब्दीली आ गई है। लैक ऑफ मोटिवेशन, कोई भी चीज़ जो हम मोटिवेट करने के लिए उन्हें कहें वो मोटिवेट ही नहीं होते, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का क्या मतलब है, उन्हें अपना होना बेफ़ायदा सा लगने लग जाता है, ठीक है। उनको हर वक्त लगता है कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमें एक्सटर्नल फैक्टर हो जो हमें मोटिवेट करे, हम जिससे खुश हों। अपने वजूद का उन्हें ना फ़ायदा पता होता है, ना वो उस वजूद का फ़ायदा किसी और के लिए वो जान सकते हैं कि क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। एजुकेशनल एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट, ये सारी इमोशनल थी, एजुकेशनल इम्पैक्ट क्या है, डिट्रैक्ट फ्रॉम एकेडमिक परफॉर्मेंस, रात लेट सोएगा, सुबह कैसे स्कूल जाएगा, सुबह गया तो वहाँ सारा टाइम सोया रहा, ठीक है। अटेंशन स्पैन, अटेंशन स्पैन की एक बहुत बड़ी एग्जांपल पता क्या है, यूट्यूब ने अपने शॉर्ट्स 15-15, 30-30 सेकंड्स के कर दिए। क्यों किए हैं, क्योंकि उन्हें पता है लोग 15 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते, अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। मैं ये बता रही हूँ कि बच्चों में नहीं, बड़ों में भी अटेंशन स्पैन कम हो गया है, तो बच्चों में भी अटेंशन। अब देखें, हम एक मूवी चलाते थे, बस मूवी चल रही है, हम 2.5 घंटे भी बैठ के मूवी देखते थे, बच्चों को बिठा लें वो एक मूवी 2.5 घंटे बैठ के देख ही नहीं सकते, वो थोड़ी देर बाद कहेंगे अब कुछ और होना चाहिए। रिड्यूस क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़, ये जो आपके सवाल का जवाब है,
क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज कम हो जाती हैं। सॉफ्टवेयर वो सीख लेगा, लेकिन 15-16 लोग और भी सॉफ्टवेयर सीख रहे होंगे उसी सोशल मीडिया से। नया क्या किया उसने, खुद से क्या किया, वो सोचना उसका दिमाग बंद कर देगा। जैसे मैंने आपको निकोला टेस्ला की एग्जाम्पल दी थी। लिमिट क्रिएटिविटी, वो एक नया बनाने का जो है वो पोटेंशियल उसमें ख़त्म हो जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ डोपामीन, डोपामीन एक हैप्पी हार्मोन है, हमारी बॉडी से रिलीज होता है। जब आप एक आजकल जो है ना वो पंजाबी मूवीज़ का बड़ा कल्चर है, सिखों वाली जट्टों वाली मूवियाँ बड़े देखते हैं सब, तो उसमें क्या होता है, कॉन्टीन्यूस इन्फ्लक्स ऑफ द हैप्पीनेस एंड द डोपामीन हार्मोन। इतना डोपामीन निकलता है कि 2 घंटे की मूवी के बाद आप डिप्रेस फील करने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मुझे, मैं बहुत बेचैन फील कर रहा हूँ, या मुझे ज़्यादा हंस हंस के। आपके ब्रेन को इतने हाई थ्रेशोल्ड की आदत हो जाती है कि जब वो थ्रेशोल्ड नीचे आता है ना डोपामीन का, जब वो नॉर्मल थ्रेशोल्ड होता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं सुखद। और यही बच्चों के साथ होता है, वो इतनी देर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं हंसने वाले, आप वो छोटे छोटे बच्चों को आप वीडियोज़ दिखा देते ना हंसने वाले कि ये देखो ये बच्चे खुश हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो बंद होती है तो उनमें एंग्जाइटी का एलिमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि डोपामीन का नॉर्मल लेवल आ जाता है, ठीक है ना। इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन अक्सर आपकी जो है ना वो स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए ये हार्मोन सिक्रीट होता है, लेकिन स्ट्रेस इतनी बढ़ चुकी हुई है कि ये हार्मोन भी रिलीज़ हो के थक जाता है, इसके निकलने से भी अब आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रग्स, आप एक दिन एक गोली ली, दूसरे दिन 2 लेनी पड़ेंगी, तीसरे दिन 3 लेनी पड़ेंगी, फिर भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं उसमें अचीव होगी, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑन हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस ये हमारे ब्रेन के 2 पार्ट है, अमिग्डाला एंड हिपोकैम्पस। हमारे ब्रेन में जो इमोशंस को मैनेज करता है ना जो हिस्सा, उसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, हिपोकैम्पस और अमिग्डाला। अमिग्डाला आपका सारा इमोशनल मैनेजमेंट करता है और हिपोकैम्पस आपका मेमोरी रिटेंशन एंड बिहेवियर डिस्टर्बेंस जितनी भी होती हैं वो हिपोकैम्पस की वजह से होती हैं। अच्छा, ये रिसर्च रेफरेंस है। वन स्टडी फाउंड दैट पीपल हु यूज सोशल मीडिया फॉर मोर देन 2 hours अ डे हैड स्मॉलर हिपोकैम्पाई देन दोज हु यूज्ड सोशल मीडिया फॉर लेस देन 30 minutes अ डे। 2 घंटे वालों का ब्रेन का हिपोकैम्पस छोटा हो गया, यानी जहाँ से लर्निंग कैपेबिलिटी जिस पार्ट की थी वो छोटा हो गया, और जिन्होंने आधा घंटा यूज़ किया उनका ठीक था। Another study found that people who use social media more often had worse memory and learning capabilities than those who use social media less regularly. ठीक है, वो लोग जिन्होंने regularly use नहीं किया उनकी निस्बत उनका जो है learning capabilities कम हो गई। The negative effect of social media on hippocampus are thought to be due to the constant stimulation that social media provides. The stimulation can lead to stress, anxiety, which can damage the hippocampus. ठीक है, जब अमिग्डाला क्या करता है, अमिग्डाला आपके फियर फाइट फ्लाइट रिस्पांस को कंट्रोल करता है, आपके एग्रेशन को कंट्रोल करता है, आपके स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जब आप कॉन्टिन्यूस फिक्शन मूवी देख रहे हैं या आपने हॉरर मूवी देख रहे हैं तो आपका अमिग्डाला के रिस्पॉन्स कहाँ पर है, पीक पे है, बिला वजह में पीक पे है। ये अमिग्डाला कब अपना पीक पे रिस्पॉन्स देता है, जब आप क्लिफ के एज पे खड़े हैं, ठीक है, आपको पता मैं गिरने लगा हूं। उस वक्त जो आपको हार्ट पाउंडिंग फील होती है ना वो अमिग्डाला की वजह से होती है। अब आप देखें, बिला वजह में अल्लाह ने एक सिस्टम जो आपका बनाया है, जो आपका स्ट्रेस को कोप करने के लिए बनाया था, आपने उसे हर वक्त एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है, आप उस स्ट्रेस हार्मोन बिला वजह में रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जब जाना होगा ना, उस अगर आप सोचेंगे भी ना कि मैंने कल जाना है, तो आपके अंदर वही स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा जो आपने कल इंटरव्यू के लिए जाते हुए आपके बॉडी से रिलीज होगा, ठीक है। आपका ब्रेन उस सिचुएशन के मुताबिक काम करता है जो आप सोच रहे होते हैं। तो जो अमिग्डाला है उसमें मैंने बताया कि क्या कंट्रोल करेगा, फियर एंड फाइट, हर वक्त फियर एंड फाइट में रहेगा, और वो ओवर एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स जिस वक्त चाहिए होगा उस वक्त वो रिस्पॉन्स नहीं रिलीज़ होगा। एग्रेशन, एग्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके जो स्लीप वेक साइकिल को, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो अमिग्डाला के ओवर एक्टिव होने की वजह से फिर स्लीप डिस्टर्बेंस होती हैं, जो कि सोशल मीडिया की वजह से हैं। सोशल मीडिया की वजह से कैसे हैं, ये उन हॉर्मोन्स को रिलीज़ कॉन्टिन्यूस करवाता रहता है
जो अल्टीमेटली आपके इमोशनल मैनेजमेंट पे, आपके स्लीप पे इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। हिपोकैम्पस जो है वो उसका क्या रोल है, हिपोकैम्पस आपकी बिहेवियर चेंजेस को मॉनिटर करता है और आपकी मेमोरी को मॉनिटर करता है, ठीक है। हिपोकैम्पस अगर डैमेज हो जाए ना आपका, खुदा ना खास्ता किसी का या मेरा एक आज डैमेज हो जाए, तो मैं नई मेमोरी रिटेन नहीं कर पाऊंगी, पिछली मेरी हमेशा याद रहेगी, मुझे याद रहेगा कि मेरे ये रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं नई मेमोरी जो है ना वो रिटेन नहीं कर पाऊंगी। और ये क्या करता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करता है, ठीक है। आपने जो चंद लम्हों में एक बात आपको याद रही, ब्रेन प्रोसेस करता है कि इन चंद लम्हों वाली बात में से कौन सी मैंने लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालनी और कौन सी नहीं डालनी, शेल्फ बनी हुई है मेमोरी की ब्रेन के अंदर भी, ठीक है जी। गजनी टाइप, ठीक है, बहुत अच्छी आपने एग्जांपल दी, उसको पुरानी मेमोरी याद थी लेकिन नई वो रिटेन नहीं कर पा रहा, तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो हिपोकैम्पस जो है जब कॉन्टिन्यू स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, वो भी डैमेज होगा, अभी आपको मैंने बताया कि उसका साइज छोटा होता जाएगा। जब बच्चे मुसलसल उसी कन्फाइंड थॉट प्रोसेस में रहेंगे जो आपको सोशल मीडिया दिखा रहा है, तो उनमें कॉग्निटिव स्किल यानी कि समझने बूझने की सलाहियत, लॉजिकल रीजनिंग, किसी भी बात को अपनाने या रिफ्यूट करने के लिए जो आपके समझ बूझ होती है वो कम हो जाएगी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कम जाना शुरू हो जाएगी, बच्चों की याददाश्त का मसला होने लग जाएगा, ठीक है। मोबाइल के लाइट के अलावा जो वो देख रहे हैं ना, वो कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस, जैसे वो हंसने वाली चीज़ देख रहे हैं तो डोपामिन रिलीज होता रहेगा, फियरफुल चीज़ देख रहे हैं तो उसका अमिग्डाला इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये जो वो देख रहे हैं ना वो उनकी, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई, ये ब्रेन रात के वक्त ना आपका ब्रेन रियलिटी और फिक्शन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, वो सारा दिन जो उसने देखा होता है वो पूरी रात उसको प्रोसेस करता है। जब आप उससे कोई काम नहीं ना ले रहे होते, आप सोए होते हैं, उस वक्त वो काम कर रहा होता है ना जो आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है। तो आपने ब्रेन को अच्छा हेल्दी फूड ऑफ थॉट देना है। बच्चों आपने रात को टीवी नहीं देखना जिस सोते हुए, ठीक है ना, मोबाइल देखना है। अच्छा, अमिग्डाला क्या करता है, इमोशनल प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया, फियर, फ्लाइट, एग्रेशन, ये इमोशंस हैं, सोशल एंड इमोशनल कम्युनिकेशन। अच्छा, वर्चुअल जब बच्चे माँ बाप से मिलते हैं ना, तो उस वक्त माँ और बाप या बच्चे, उन सब में एक लव हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन कहते हैं, अफेक्शन हार्मोन। अब ये जो अफेक्शन हार्मोन है ना, वो मुसलसल जो है वो स्क्रीन के साथ उनका रिलीज हो रहा होता है, मोहब्बत स्क्रीन से बढ़ जाती है, इसलिए जब बच्चे और माँ बाप आपस में मिलते हैं ना, तो वो ऑक्सीटोसिन वैसे ही थक जाता है रिलीज हो के, उस टाइम वो ऑक्सीटोसिन नहीं निकलेगा, ठीक है, वो वर्चुअल कनेक्शन डिवेलप हो चुका हुआ, ठीक है। फियर रिस्पॉन्स आपका जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और क्या हो सकते हैं, कंपैरिजन एंड एनवाय बहुत बढ़ चुका है बच्चों में बिहेवियर चेंजेस आती हैं हिपोकैम्पस के इफेक्ट होने की वजह से। बच्चे हर वक्त आपस में ही कंपैरिजन कर करके जो है वो थक जाते हैं, लड़ लड़ के उनका बुरा हाल होता है, पेरेंट्स को मुसलसल एक स्ट्रेस में रखते हैं, मैं इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ता हूँ, ये मुझसे कम अच्छा पढ़ती है, इसके ड्रेसेस अच्छे नहीं लग रहे, मेरे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और अपने आप पे रश करना, ठीक है, बजाय ये कि एक फैमिली में एक पॉजिटिव बॉन्डिंग हो और हर बच्चा अपने कमज़ोर सिबलिंग को अपलिफ्ट करे, ठीक है, तो एक वो फैमिली एफर्ट में वो चीज़ ऐड होगी ना। अब उसकी बजाय फैमिली एफर्ट में क्या चीज़ ऐड हो रही है, बच्चे को कंपैरिजन से कैसे निकालें, एनवाय से कैसे निकालें, हम इसको बच्चे को किस तरह पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं। एम्पलीफिकेशन ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देना, बहुत हंसना शुरू कर देना, ये आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज एम्पलीफाई हो गए ना, ये जो हमारा ब्रेन है उसमें ये टोटल जो ग्रीन एरिया है ना, ये हमारा सारा दिन के इमोशंस और हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी और बिहेवियर्स को चेंज कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला स्पायरल, इसको हम कहते हैं हिपोकैम्पस और इसको हम सी हॉर्स ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। और ये जो छोटा सा एलिमेंट की तरह का एक पोर्शन है, ये आपके फियर, फ्लाइट, फाइट रिस्पॉन्सेज, एग्रेशन और स्लीप वेक साइकिल को मैनेज करता है, इसे अमिग्डाला कहते हैं, ठीक है ना। और दोनों पर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। हिपोकैम्पस क्या है, वल्नरेबल टू डैमेज फ्रॉम किस किस वजह से डैमेज हो जाता है, मैंने सारे फैक्टर लिखे हैं, स्ट्रेस की वजह से, जब कॉन्टिन्यूस फ्राइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा तो वो स्ट्रेस में रहेगा और उसका साइज कम होता जाएगा। ट्रामा कोई, जैसे गजनी बताया इन्होंने, ट्रामा की वजह से हो सकता है। सर्टन डिजीज, एक डिजीज़ है मुझे नाम भूल गया, एक वायरस है, वो वायरल डिजीज़ अगर ब्रेन में हो जाए तब भी हिपोकैम्पस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डैमेज टू हिपोकैम्पस कैन लीड टू मेमोरी लॉस, स्पेशियल डिसोरिएंटेशन, स्पेशियल डिसोरिएंटेशन स्पेस से रिलेटेड,
आप जहाँ खड़े हैं ना आपको समझ ही ना आए, आप इम्बैलेंस हो जाएं। कई दफ़ा कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा बैलेंस ख़राब हो रहा है। मेरे हस्बैंड के पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, यंग बॉयज़, ठीक है, वॉक करते करते लेग ऐसे जी है। दो तीन कंप्लेंट्स होती है, बैलेंस डिस्टर्ब है, कानों में हर वक्त घंटियाँ बजती रहती हैं, बेटा क्या करते हो, पबजी खेलता हूँ, ठीक है, सही है। तो ये दोनों चीज़ें, बैलेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है और टिनाइटिस भी हो रहा है। कॉग्निटिव प्रॉब्लम यानी समझने बूझने की सलाहियात, ये मैंने उसकी जो है ना वो ग्रॉस एनाटॉमी दिखा दी कि असल में ये ऐसा लगता है, ये इतना खूबसूरत नहीं लगता जैसा वो है। बिहेवियरल साइकोलॉजिकल इश्यूज़, इस वक्त वर्चुअल ऑटिज़म का नाम सुना हुआ आपने? बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा होता है, टीवी देख देख के ऑटिज़म की तरफ चला जाता है, वर्चुअल ऑटिज़म, ठीक है। ये ADHD भी एक बिहेवियरल डिजीज़ है। अब पांच ऐसे अपने माइंड में सोचे आइडिया जिसे आप स्क्रीन टाइम से बच्चों को दूर रख सकते हैं। अब ये आपके लिए एक्टिविटी है, 5 मिनट है आपके पास। आप अपने लिए सोचेंगे पांच ऐसे कौन से काम हैं जिससे मैं अपने आप को स्क्रीन से दूर रख सकता हूँ। आपने बच्चों, आपने भी अपने लिए सोचना है। 5 मिनट्स, 5 मिनट्स ज़्यादा या कम कर दें आपने? शी विल टेल ऑल ऑफ यू द 5 वेज हाउ शी कैन प्रिवेंट हर सेल्फ फ्रॉम यूजिंग गैजेट्स, ठीक है। चलो आओ बताओ यहाँ पे आके। 5 कौन से ऐसे काम है जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया से और मोबाइल से दूर रह सकती हो? बंद करके। बंद करके? फन करके। फन कैसे करोगी? खेल के, भाइयों के साथ खेल के। ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चा चाह रहा है, जिसके ज़रिए हम उसके बिहेवियर को मॉड्यूलेट कर सकते हैं सोशल मीडिया, मतलब व्हाट शी वांट। कहते हैं कि जब तक आप सबको ज़िम्मेदार नहीं ठहराते ना उस काम के लिए, तब तक वो उस ज़िम्मेदारी को लेते नहीं हैं। मैं स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग करती हूँ, उस मेडिकल स्टूडेंट्स की, तो मैं कहती हूँ कि उनको स्टेक होल्डर बनाए उनकी लर्निंग का। जब तक आप उनको उनकी लर्निंग का ज़िम्मेदार नहीं बनाएंगे ना, तब तक वो लर्न नहीं कर सकेंगे। हम कहते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। आप क्यों लेक्चर बना के लाते हैं? आप उनको कहें चलो बेटा ये टॉपिक है, सब प्रेजेंटेशन बना के लाओ, तुम लोग प्रेजेंट करोगे, कैसे नहीं पढ़ेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम भी इसे स्टेक होल्डर बना रहे हैं। उसे पहली बात ये कि भाइयों से खेल के, फन करके मैं गैजेट्स को छोड़ दूँगी। भाई कान खोल के सुने, घर जाके आपने बहन से खेलना है, ठीक है ना। अच्छा और बताएं, क्या बनना चाहती हो आप? आर्टिस्ट बनना चाहती है। कभी भी बच्चे को उस तरफ पुश ना करें जो वो नहीं बनना चाहता। जो हमारी ये वाली जो जनरेशन है, क्या कहते हैं इनको, जी कहते हैं आपको, जी बेचारी यही गिला करती रहती है कि हम जो बनना चाहते थे हमें वो बनने नहीं दिया गया। हम मिलेनियल हैं, हमारे साथ भी यही हुआ था, कोई मसला नहीं। लेकिन हमें अपने बच्चों को उस तरफ फोर्स नहीं करना जिधर वो नहीं बनना चाह रहे। देखें, इस वक्त आप लॉयर बना लें उसको, आप डेटा साइंटिस्ट बना लें, आप इंजीनियर बना लें, आप उसको डॉक्टर बना लें, जब तक उसका पैशन, उसका प्रोफेशन नहीं ना होगा, वो एक्सेल नहीं करेगा। ये मैम, हाँ, तो आप उसे उस तरफ लेके जाएं। उसके लिए अल्लाह ने कोई उधर से कोई अच्छा सबब बनाया होगा, ठीक है। फिर और बताओ, और कैसे करते हैं? बिल्कुल, अब हम क्या करते हैं, हम अकेले किचन में लगे रहते हैं, हम इसको साथ लेके जाया करेंगे अब, ठीक है। तुमने साथ में नीडिंग भी करनी है। मेरा बेटा जो है ना, ही 6 and a half, वो मेरे साथ रोटी बनाता है पूरी, सही वाली, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा और अपना स्कूल से जो होमवर्क मिलता है, हाँ, अपनी एक्टिविटी, उसको आपने खुद करना है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ मामा को कहना है, ऐसा नहीं कि मामा पीछे पीछे भाग रही हैं और वो कह रही हैं कि ये होमवर्क कर लो, ठीक है ना। ग्रेट, पर्सनल हाइजीन आपने इसी एज से उसे बताना है, उसे हमने आपको कैसे ग्रूम करना है, ये बहुत ज़बरदस्त बात की इसने, और वर्केबल सोल्यूशन है सारे। थैंक यू सो मच। बैठो, अब कौन से ऐसे काम है जिसके से हम उन्हें स्क्रीन से दूर रख सकते हैं? सेट लिमिट एंड एस्टेब्लिश स्क्रीन टाइम रूल्स। हम बहुत जल्दी ब्लैकमेल हो जाते हैं बच्चों से। एक स्क्रीन टाइम रूल रखें। मेरा बेटा बहुत यूज़ करता था ना, मैंने उसे कहा कि आपने ना जहाँ मेरा, जब मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा होगा ना, आपने तब यूज़ करना है, और आपने नकल से यूज़ करना है, फिंगर से नहीं करना, ठीक है। उसका क्या नुकसान हुआ, वो नकल से यूज़ कर करके ना वो थक जाता थोड़ी देर बाद,
और चार्जिंग का जो एरिया था वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, ठीक है। तो 10-15 मिनट बाद खुद ही कहता था मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो मैंने ये रूल इस तरह सेट किया, लाइक आप समटाइम चीज़ों को तरीके से करते हैं, आप जब बताएंगे ना बेटा मैं तुम्हें ये पनिशमेंट के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जो अब वाली जनरेशन है वो काउंटर एक्ट करेगी, वो और फौरन रिएक्ट करेगी। रिस्पॉन्ड हम बचपन से ही उनकी रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी डिवेलप नहीं करते हम एज ए नेशन, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम हर चीज़ को रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे भी रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो आप उन्हें उस तरह इन रूल्स को सेट करें कि बच्चों को फील भी ना हो, बल्कि उन्हें पनिश भी करने की क्या ज़रूरत है। दिस इज़ फॉर गुड ऑफ देयर कैरियर, देयर बिहेवियर मैनेजमेंट, देयर पर्सनैलिटी, ठीक है ना। एंगेज इन हाउस होल्ड चोर्स, अकेले ना लगे रहें। जो फादर हैं आप, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स का काम है, आप अपने बेटे से कह सकते हैं कि बेटा मेरे ये डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ अरेंज करवा दो, ठीक है। आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आप अकेले ना जाएं, अपने बेटे को साथ लेके जाएं, ठीक है ना। आप अपनी वार्डरोब सेट कर रहे हैं, बल्कि जो नहीं करते मर्द हजरात उनके लिए मेरी गुजारिश है वो अपनी वार्डरोब खुद सेट किया करें, और साथ में बेटे से भी कहें कि चलो पहले तुम्हारी करते हैं फिर हम अपनी करेंगे, उसको एंगेज रखें। और मदर्स भी जो भी काम कर रही हैं ऐसा ना करें कि बच्चे को एंगेज करने के लिए, जो मैंने पहले ही बताया कि पेरेंट्स रिलाई करते हैं खुद पहले गैजेट्स पे, ताकि वो बच्चों को एंटरटेन कर सकें और अपना काम कर सकें। तो उनको वहाँ एंगेज करने की बजाय उन्हें अपने साथ किचन में एंगेज करें। हो सकता है वो जो 2-4 बार आटा स्पिल करेगी वो बच्ची नीडिंग करते हुए, वो आपका एक लाइफ टाइम टाइम सेविंग हो जाएगी। हो सकता है आपको 10-15 दिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन बाय द टाइम उसका बिहेवियर डिवेलप हो जाएगा, वो एम्पथी डिवेलप हो जाएगी, वो आपको अकेले खड़ा देख के खुद आ जाएगी कि मेरी मदर अकेली काम कर रही है किचन में, ठीक है। वो एक इमोशनल डिवेलपमेंट हो जाएगी आपके साथ। इंगेज इन आउटडोर प्ले एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। गर्मियाँ हैं आजकल तो नहीं होती, लेकिन शाम में आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती। क्रिकेट आप अब तो वो छत पे नेट लगाने का बड़ा रिवाज हो गया है, एक छोटे से एरिया में नेट लगाएं और उन्हें आउटडोर एक्टिविटी रात के टाइम दे दें, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं पिशावर गई थी, एक मेरी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे एक बाज़ार है कारखानों, शायद किसी ने नाम सुना हो। तो हम वहाँ गए तो हमें रियल आर्चीज़ मिल गई वहाँ पे, तीर कमान हम लेकर आए और हमने इसे फैमिली एक्टिविटी बनाया। हम अपने घर में तीर कमान से 2-3 दफ़ा मैंने वो फाइबर ग्लास लगा हुआ था गेट में, वो तोड़ लिया हमने लगा लगा के, और उसको तीर को छोड़ते हुए भी ख्याल आता है बच्चे इधर उधर करके फिर हम उसको शूट करते हैं। तो उस एक्टिविटी में हम सब खुश होते हैं, सभी इंगेज होते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि देखें जब मैं फ़ोन पकड़ के बैठूंगी तो मेरा बच्चा भी देखेगा, ठीक है ना। जब आपने फ़ोन को घर का फ़र्द नहीं बना के रखा ना, तो बच्चे को भी वो नज़र नहीं आएगा, उसकी भी उस साथ वो इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है ना, वो आपके साथ कनेक्ट रहेगा। बैन बेड टाइम कार्टून एंड प्रेफर बुक रीडिंग, ये चीज़ हमने ख़त्म कर दी है, हम बुक्स लेना ही बंद हो गए हैं। सबसे जो कम हम काम कर रहे हैं आजकल, हमारा जो रुझान है वो बुक्स खरीदने की तरफ, हमारा रुझान कम हो गया। आप इनको बुक्स लेके दें, और बच्चे जो बुक्स जो है ना बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं, देखें उनमें तेज़ी नहीं होती वो, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो एक सीन लिखा हुआ उस सीन को कौन इमेजिन करेगा, आपके बच्चे का ब्रेन इमेजिन करेगा, वो क्रिएटिविटी की फ़ेज़ में होगा उस वक्त। जब एक सोशल मीडिया वो यूज़ कर रहा होगा तो वो सीन ऑलरेडी बना हुआ आएगा, उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और आप देखें जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, लाइफ कितनी फास्ट हो गई है, आपकी आंखें इस कमरे को गुजरते हुए देखते हुए कुछ वक्त लगाएंगी, और इस वक्त के दौरान आपकी आंखों में ये सारे सीन महफूज भी हो जाएंगे। आप इमेजिन करें यहाँ से गाड़ी से गुजरते हुए, आपने अपनी आंखों को वक्त ही नहीं दिया उस सीन को महफूज करने के लिए, जो आपने गाड़ी में जाते हुए उसको टाइम दिया, ठीक है ना। लाइफ फास्ट हो गई है तो स्क्रीन भी यही हमारे साथ करती है, उसकी बजाय आप बुक रीडिंग की तरफ बच्चों को माइल करें। क्रिएट स्क्रीन फ्री जोन्स एंड डेजिग्नेटेड टेक फ्री टाइम्स, ठीक है। वही बात है कि मोबाइल जो है ना तकियों के नीचे छुपा दें, साइलेंट पे लगा दें, खासतौर पे जो फादर्स हैं जब घर आएँ तो वो छोड़ दें ऑफिस का काम वहीं पे, मदर्स भी जो वर्किंग है वहीं पे, घर जाके नहीं करना। टेक फ्री जोन बनाएंगे, जब वो नज़र नहीं आएगा तो क्या होगा, बच्चे जो है ना ऑटोमेटिकली उसकी तरफ माइल नहीं होंगे। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ नॉन स्क्रीन एंटरटेनमेंट ऑप्शन, अब जैसे ही बच्ची ने कहा आप उसे नॉन स्क्रीन एंटरटेनमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करें। ये जो ह्यूमन ब्रेन है, बच्चे का जो दिमाग है खासतौर पर बड़ों का भी, इट्स लाइक अ मॉन्की, वो हर वक्त कहीं ना कहीं जंप करने की कोशिश कर रहा होता है। जब उसको कोई एंटरटेनमेंट का एरिया मिल जाता है या कोई एक्टिविटी मिल जाती है तो वो उसमें जंप करता है, जब वो नहीं होगी तो उसके पास एक ही सब्स्टिट्यूट होगा और वो होगा गैजेट। लीड बाय एग्जाम्पल, सबसे पहले अपना मोबाइल जो है ना वो बंद करें। आपने घंटे का पैकेज लगा के रिलेटिव से बात नहीं करनी, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम होती है वो, ठीक है।
ओल्ड एरा कम्युनिकेशन करें जो पुराने ज़माने में होती थी। फैमिली एक्टिविटी बनाएं, जो आपका जो जो गैजेट का टाइम है ना, इट शुड बी अ फैमिली एक्टिविटी। लाइक आपने सोचा हुआ, बच्चों को कहा कि आज शाम को हम ये मूवी देखेंगे या ये ड्रामा देखेंगे। इस ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आगे है। मैंने अभी रिसेंटली हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पे एक उनकी मूवी देखी। कुछ लोग कहते हैं जी ये नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आप देखें कि हमारा जो इस वक्त का जो जनरेशन है वो इस तरह के एविडेंस पे यकीन रखती है, वो बुक्स नहीं पढ़ती, ठीक है। फिर अभी असहाबे कहफ़ भी उनकी एक मूवी थी, इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे। आप अच्छी अच्छी मूवीज़ जो हैं वो निकालें, ठीक है, बच्चों के लिए एनिमेटेड भी निकालें जो आपको बताओ, जिनका उनके जिनमें कोई मॉरल लेसन है। और एट द एंड ऑफ द डे आप उन्हें आपने बताया हो कि ये हमारा फैमिली एंटरटेनमेंट है, हम एक घंटा सब बैठ के देखेंगे, उसमें आपकी कितनी सुपरविजन इन्वॉल्वड है बच्चों के लिए, ठीक है। इंगेज सोशल इंटरेक्शन एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। हम घबराते हैं, फ़लाँ आंटी घर जाएंगे, वो आंटी हमारे घर आएंगी, उन्होंने अच्छा फर्नीचर रखा हुआ है, हमारे घर में अच्छा फर्नीचर नहीं है, हमारा स्टेटस बुरा हो जाएगा। इन चीज़ों से निकल आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक देखें, अब इस वक्त हम ना स्टेटस को का शिकार हैं, हम कहते हैं कि हम दूसरों से बेहतर लगें। ख़ास तौर पर पेरेंट्स इस बारे में बड़े टची होते हैं कि नहीं, हमने कल अपने बच्चों का रिश्ता करना है तो हम मिलेंगे, तो हमें भी उस लेवल पे पहले होना चाहिए। यकीन करें कि जहाँ उसका रिश्ता अल्लाह ने लिखा हुआ है ना, होना वहीं पर ही है। आप ऐसे ही इतनी एफर्ट कर रहे हैं बिला वजह में, ठीक है ना। ये डेस्टिनी में लिख दी गई हैं चीज़ें कि उसने किसका स्पाउस बनना है, उसका किसने बनना है, ठीक है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन उसको बढ़ाएँ, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएँ। अब ये लाहौर में तो बिल्कुल ये ट्रेंड नहीं है कि आपको साथ वाले घर में नहीं पता होता क्या हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन हमने अपनी सोसाइटी में क्या डेवलप किया हुआ है, आई एम नॉट अ रोल मॉडल, मैं आपको बता रही हूँ। हम इंटेंशनली धनिया भी मांगने जाते हैं एक दूसरे से। और मेरी जो नेबर है ना, उनके हस्बैंड एक बहुत बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में डायरेक्टर हैं, उस मेन स्ट्रीम मीडिया को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ हमारी ऐसी रिलेशनशिप डिवेल्प है कि हमने छोटी छोटी चीज़ें, हमें दही और प्याज भी चाहिए तो हम उनसे लेने जाते हैं, वो हमसे लेने जाते हैं। रात को 11 बजे मुझे भूख लगी है ना, तो मैंने कभी ये कबाहत नहीं महसूस की कि मैं उनसे कहूँगी खाने में कुछ है, वो जो भी है वो मुझे भेज देंगी, मैं उनको भेज दूँगी। और वो बच्चे भी कम्फर्टेबल होते हैं उनके घर जाके, उनके हमारे घर आके। सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब जब सोशल इंटरेक्शन नहीं क्या होगा, तो फिर वर्चुअल इंटरेक्शन होगा, उसकी देखिए एक एक्टिविटी का रिप्लेसमेंट एक दूसरी एक्टिविटी है, तो बेहतर है आप एक्टिविटी पॉजिटिव रखें। पेरेंटल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग टूल्स, जैसे यूट्यूब किड्स बच्चों को आप अलाउ करें, आप यूट्यूब मेन उनको अलाउ ना करें, उसमें बहुत सारे चैनल्स आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर पासवर्ड आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, बच्चे बिला वजह में जाके नहीं उसे पकड़ेंगे, ठीक है। प्रमोट रीडिंग एंड ऑफलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है, वही जो बुक्स हो गई या जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो उनको फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रही हैं, आप उनको प्रमोट करें। मुझे सोशल मीडिया बहुत कुछ लिखा होता है, ये डेरियस से मुझे याद आया। डेरियस एक पर्शियन फिगर है ना, एक फ़ारसी बादशाह था। तो मैं पढ़ रही थी कि अलामा इकबाल ने एक शेर लिखा हुआ ना, वो क्या गर्दूं था जिसका तू है एक टूटा हुआ, तुझे पाला है उस कौम ने आगोशे मोहब्बत में, ये मुझे भूल गया, इसको पढ़ते हैं अभी। फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन एंड डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस स्क्रीन यूजेज, आप उनको बताएं भी कि इसका नुकसान क्या होता है, ठीक है ना। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। तो ये सरे दारा जो है ना, बेसिकली डेरियस का सर है। परियन जो एक किंग था, जब ईरान को शिकस्त थी मुसलमानों ने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरन बाद का दौर है, तो आखिर उसी कौम से, उसी से हम भी हैं ना। हमने अपनी नॉर्म्स, अपनी रवायात को तब्दील कर लिया है। हमने वो गोल ही नहीं अपने माइंड में कभी आने दिया कि अल्लाह ने हमें भेजा किस लिए था। हम अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल गए हैं यहाँ पर आके। जब आपके पास गोल नहीं होता ना, तो आपका जो जहन है ना, वो टोटली शैतान के कंट्रोल में होता है, वो बस फिर वो शैतान जिधर जिधर लगाता जाएगा आप उधर होते हैं। गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है, अपने जहन में एक मकसद रखें। बच्चों की तरबियत आपका मकसद है तो आप उसको लेके चलें। बच्चे हैं तो वो भी गोल सेटिंग करेंगे। मैंने तीन चार चीज़ें अपनी फैमिली के लिए क्या करना है आप अभी से उसे बताएँ।
आप ये ना सोचें कि मेरा बेटा है 25 साल का होगा, ग्रेजुएट होगा, तो हम इसको किसी ऐसे काम में लगाएंगे कि वो फैमिली को, उस वक्त आप उसे एकदम गिरा देते हैं शादी करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उस वक्त वो काबिल नहीं होता। आपने उसे इस उम्र से इस काबिल करना है कि वो आहिस्ता, ये नहीं कि वो सारे काम करना शुरू करे, आप उसे करके बजटिंग में इन्वॉल्व करें। वो सारी सरदर्दी जो सिर्फ आपने अपने सर पे रखी हुई ना, उसको डेलीगेट करें, चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करें। और बच्चे जो है, मैंने बताया कि अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, और इस कम्युनिटी के लिए क्या करना है, ये तीन गोल आपने अपने माइंड में रखने हैं, और इन गोल्स को स्मार्ट ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है डे टू डे में। तो आपका ब्रेन जो है ना, वो आपको वैसे ही वक्त नहीं देगा कि मैं सोशल मीडिया यूज़ करूँ। और इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ख़त्म हुआ। तो सबसे मुझे खुशी पता क्या होगी कि आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर आए इसकी वजह से, और इसका रियली इम्पैक्ट होता है अगर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें तो। चलें, थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।